ya तो मैं तेरे आगे ही जाऊंगा ना, आगे ही जाऊंगा। बोल बोल बीआर में आपके लिए अगर इस बारे में हाँ, मतलब सबसे पहले तो मैंने भी सुना पहली बार ही कि इस तरह का पेजेंट हमारे यहाँ होता भी है हिंदुस्तान में। और जब उन्होंने मुझसे बात भी की, जब उन्होंने मुझसे कहा, पूछा कि क्या आप जज करना चाहेंगे शो को, सो आई हैड नो क्लू हाउ विल आई डू इट। पर फिर जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा इन्हें, तो कोई अंतर नहीं है। जैसे दूसरे पेजेंट शोज होते हैं वैसे ये भी है। आपके सामने कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो कॉम्पीट कर। 4 साल बीत गए नालसा जजमेंट के लिए, और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत सुंदर सा वर्डिक सेक्शन 377 पे दिया। मिस ट्रांस क्वीन, ये दूसरी साल हो रहा है, और ललित होटल्स उसके साथ हॉस्पिटैलिटी में है, मतलब केशव सूरी जी, जिन्होंने सेक्शन 377 की लड़ाई में भी बहुत बड़ा योगदान सर्वोच्च न्यायालय में जाके किया। ये प्लेटफॉर्म्स, चाहे मिस ट्रांस क्वीन हो या अन्य और भी, ये दर्शाता है कि भारत बदल रहा है। भारत अपने पुराने जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारा कल्चर था जिसमें नैतिकता नहीं थी, आज वो सारे तोड़ते हुए आज हम इस मंच पे देख रहे हैं कि पूरी इंडिया से हमारे समाज, किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज, अब तो ट्रांस मैन भी नया पेजेंट इंडिया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेड इन इंडिया। इंडिया ने क्या नहीं दिया पूरे भारतवर्ष को, और पूरे जग को क्या नहीं देता है। हम कहते हैं कि वी आर इंटरनेशनल गुरुज, अगर अपने आप को मानते हैं तो ये सच बात है। आज ट्रांस मैन का जिस तरीके से इंटरनेशनल पेजेंट लॉन्च हुआ मिस ट्रांस क्वीन पेजेंट में इन एसोसिएशन विद ललित होटल्स, ये दर्शाता है कि समाज में अब उतने तकलीफें नहीं हैं। पर मैं आशा करती हूँ कि 2018 ख़त्म होने तक ट्रांसजेंडर बिल जो पार्लियामेंट में टेबल किया है लोकसभा में, वो पास हो। थावरचंद गहलोत जी जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैं, मुझे ये आशा है कि प्रधानमंत्री और पूरा पार्लियामेंट इस बिल को पास करे, क्योंकि हम वो समाज हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा 70 साल आज़ादी के बाद हमें हमारा हक और हुकूक मिला है भारतीय होने का। हम रिजर्वेशन नहीं मांगते, पर विडंबना ये या ट्रांस मैन के प्रति आप संवेदनशील रहें। और ये मंच हमेशा एक चीज़ दिखाता है कि इवन आई हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी। मैम आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, हर साल जो है बिग बॉस में एक ट्रांसजेंडर होता था, लेकिन इस बार वर्डिक्ट आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चन। मैं खुद को भी उतना टीवी पे नहीं देखती, मेरे काम में समाज सेविका रही हूँ, और अभी आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की हूँ। मुझे लगता है कि एंडमॉल को ये बोध होना चाहिए कि इस साल भी समाज के अंदर से सेक्सुअल माइनॉरिटी समाज, LGBTIQ या ट्रांसजेंडर समाज से किसी एक को ट्रांसजेंडर और LGBTQ कम्युनिटी का बिग बॉस करना चाहिए ना, एक अलग से डिफरेंट टाइप, और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मर्द औरत लड़ते लड़ते और समाज में क्या पेश करना चाहते, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है ना। बदलाव आया है लोगों में, हमें एक जगह मिल रही है जो पहले नहीं था, तो कहा जाए बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट रहा और बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यायालय ने 2014 में और सर्वोच्च न्यायालय ने ही 2018 में सेक्शन 377 पे वर्डिक्ट दिया। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, अब बीजेपी सरकार को मैं आलोचना कोई सरकार की नहीं करती, पर अगर बीजेपी सरकार महिला रिजर्वेशन बिल पास करवा लेती, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो मुझे बड़ी खुशी होती। पर आज भी पिछले गवर्नमेंट से लेकर आज तक यहाँ पे तो तकलीफ ये है कि उसे की सुनी जाती है कि जिसके पास औहदा और पैसा है। उठाती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आज भी मुश्किलों के और कटघरे में खड़े हैं। कृपया करके मोदी जी इसे सॉल्व करें। इलेक्शंस हमारे सर पे हैं। हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया
बदलाव नजर आता है, एक नई सिचुएशन सामने आ रही है, जब हम दिन बाय दिन देखें तो ये देखकर कितना अच्छा लगता है कि लोगों में एक सोच बदल रही है, लोगों से सोचें और आज जहां हम खड़े हैं देखें तो वी हैव कम रियली रियली लॉन्ग वे एंड आई थिंक इन अ गुड वे, बट देयर स्टिल माइल्स टू गो, बहुत अभी रास्ता सफर तय करना बाकी है, बट एटलीस्ट बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग एक इक्वल समाज जिसे हम कह सकते हैं जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो हर चीज़ की हर तरह की, आई थिंक वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स इट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। क्या क्वालिटीज़ देख रहे हैं जो कंटेस्टेंट यहाँ पर आए हैं, क्या क्वालिटीज़ आप देख रहे हैं, और जैसे मैंने पहले पूछा आपको कितना चैलेंजिंग हो रहा है आपके? See, for me, I think the most important quality right now to see in them is that वो कितने अपने आप को लेकर confident हैं, अपनी कितने सहज हैं अपनी personality, अपनी individuality को लेकर, और कोई projection ना हो उसमें, उसमें अपने आप को, अपनी individuality को अपने तरीके से जीने की क्षमता मैं देखना चाहता हूँ। सर, और इसके अलावा आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहते हैं? इसी तरह से इसी थीम से जुड़ी हुई एक फिल्म है जो हमने बनाई है, मैंने मेरी बीवी ने मिलकर, और हमने लिखी है, प्रोड्यूस की है, और मैंने एक्ट किया है उसमें, तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आज ये मिस ट्रांसपीन हो रहा है और वहाँ पर मैं हिस्सा इसीलिए ले भी रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म करते हुए बहुत चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें जानी, क्योंकि वो प्रोसेस बड़ा ग्रूलिंग था और आपको एक अलग तरह का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया चीज़ों को लेकर, और हमने कोशिश भी ये की कि हम चीज़ों को अलग तरीके से उनके नज़रिए से दुनिया को दिखाने की कोशिश की हमने फिल्म में। फिल्म का नाम खेजड़ी है और फिलहाल अभी जर्मनी में फेस्टिवल होता है होमोक्रो, उसकी ओपनिंग फिल्म है, सो लेट्स सी, कोशिश तो है कि अपनी फिल्म को लेकर और जितने हम हैं ये जागरूकता जो जिस तरह से फैल रही है उसे और फैलाने की कोशिश करें। तो ट्रैवल कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी जर्मनी है, उसके बाद में 3 जगह और वो ट्रैवल करेगी इंटरनेशनली, उसके बाद ही आप हिंदुस्तान में देख पाएंगे। इस बार नहीं कर पा रहा हूँ फॉलो, लास्ट ईयर काफ़ी क्योंकि सारे दोस्त थे उसमें, विकास थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके अंदर, इस बार नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी मसरूफियत भी है अदरवाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ इस बार। जी क्या कहना है, सहज है बहुत, उसमें हम एक बार बार एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, हम यहाँ पे खड़े इसी प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम हर तरह की एक्सेप्टेंस रखें और हर तरह के समाज में एक सबको जगह हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अब प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए उम्र में तो नहीं बांधा जा सकता, मैं तो दुआ करता हूँ, विश करता हूँ उन्हें ऑल द बेस्ट, और हमने बचपन से उनके गाने सुने हैं एंड आई विश दैट ही कीप सिंगिंग लव सॉन्ग्स ऑल हिज लाइफ। थैंक यू। बहुत अच्छा चल रहा है अंदर ट्रांस क्वीन का भी। और आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आए हैं आपको कैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये तो पता नहीं, क्या है आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? ट्रांजिशन कैसे मेरी लाइफ में एज सच ट्रांजिशन का कुछ ऐसा ट्रांजिशन ही हुआ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मैं लड़कों की तरह रह रहा था, और जब मैं 18 ईयर्स का हुआ, 18 लीगल एज है, तब मैंने अपना मेडिकल ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत ही स्मूथली सब कुछ हुआ है, और फैमिली सपोर्टिव होने की वजह से हर चीज़ इजीली हो गई। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा होता अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ मैं क्यों अलग हूँ, लेकिन मेरे को मेरी मॉम ने हेल्प करी, जब मैं 16 साल का था उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया, और मेरे डैड ने मेरे को एक्सेप्ट किया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे को एक्सेप्ट किया, और उनका ये था कि हमारा बच्चा खुश होना चाहिए।
हमें बोलते हुए उसके बारे में सुना और रीना ने वहां से ट्रांस क्वीन पैटर्न शुरुआत की। अब कुछ बायोलॉजिकल औरत होने के कारण, मतलब माँ के कोख से वो औरत पैदा है, रीना है, एक बच्ची है, पति यहाँ सामने मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, है ना, तो भी उसने सोचा कि मैं ये प्लेटफॉर्म तैयार करूँ। बहुत आसान नहीं होता है, जिम्मेदारी का एहसास है आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर आज, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर मैक्सिमम लोग LGBTQI कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिम्मेदारी ये है कि हम उसके बाहर से लोग उसे रिप्रेजेंट करने आए। लाइक एवरीबॉडी सेड इंक्लूसिवनेस, टुगेदरनेस, इक्वल सोसाइटी, सबके पास एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। के लिए अक्सर कोई आम इंसान बात नहीं करता है। एक हेट्रोसेक्सुअल वुमेन होने के बाद भी उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा काम किया है और मैं एक्चुअली काफ़ी प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि पिछले साल की मैं कंटेस्टेंट थी और इस बार मैं मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ग्रूमर हूँ और उनको सिखा भी रही हूँ, तो एक्चुअली ये बहुत ही अलग सा प्रेजेंट है। जनरेशन नहीं, मैं बॉलीवुड को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमें एक्सेप्ट करें, जेंडर के आधार पे आप हमें काम ना दें, क्योंकि आज तक जितने भी देखा जाता है कि फिल्मों में इंसान अगर कोई ट्रांसजेंडर होती है तो उनको या तो बैगिंग का दिया जाता है, या तो सेक्स वर्कर का ही काम दिया जाता है, या तो क्लैपिंग का दिया जाता है, बट हम चाहते हैं कि आप हमें मेन स्ट्रीम से भी जोड़ें और हमें वो काम दें जिसके हम एक्चुअली में हकदार हैं। वी आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, हमारे अंदर भी वही टैलेंट है, तो हमें सिर्फ ट्रांसजेंडर के आइडेंटिटी के आधार पर सिर्फ वही काम क्यों दिया जाता है? एक्चुअली और बॉलीवुड को एक्चुअली सामने खुल के आना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें एक्चुअली मेनस्ट्रीम से जोड़ना चाहिए। थैंक यू।